वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे ट्यूटोरियल स्टडी जोन में। आज का हमारा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। हमारे पास देखिए तीन तरह की इक्वेशन देखने के लिए आपको स्क्रीन पर मिल रहा है। एक है वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा हमारे पास है टू ए एस इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। आज हम इस तीनों इक्वेशन को बारी बारी से एक एक करके ग्राफ के द्वारा प्रूव करने वाले हैं। आखिर ये हमारा एक मन में सवाल आ रहा होगा कि सर ये क्या होता है इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो देख सकते हो आप कि द मोशन ऑफ अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कैन बी डिस्क्राइब्ड विद द हेल्प ऑफ थ्री इक्वेशंस कॉल्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। किसी भी बॉडी के मूविंग कंडीशन जो होती है, किसी बॉडी का मूविंग कंडीशन जो होता है यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो होता है उसके बॉडी का, उसे हम लोग तीन तरीके से डिसाइड कर सकते हैं, तीन तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। तीन मोशन इक्वेशन हमारे पास है मोशन के लिए। तो चलिए मैं सबसे पहला शुरू करता हूँ। पहला हमारा जो पहला इक्वेशन है उसे मैं शुरू करने वाला हूँ अभी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला इक्वेशन हमारे पास दिख रहा होगा, इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन, जो कि हमारा है वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसके लिए आपको एक ग्राफ चाहिए होगा। पहला जो आपका ग्राफ है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो आप दिख रहे होंगे। एक्स एक्सिस ऑलवेज रिप्रेजेंट करता है टाइम को और वाई रिप्रेजेंट करता है हमेशा वेलोसिटी या फिर डिस्टेंस या तो एक्सेलरेशन, इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन एक्स एक्सिस ऑलवेज रिप्रेजेंट करेगा टाइम को, ये आप याद रखिएगा अच्छे से। तो यहाँ पर आप ग्राफ में देख सकते हो कि एक पॉइंट ए है। इस पॉइंट ए पर एक ऑब्जेक्ट जिसका इनिशियल वेलोसिटी यू हम मान लेते हैं, और जैसे जैसे वो टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते अंत में जाकर के पॉइंट बी में उसका वेलोसिटी वी हो जाता है। और इसको यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर पॉइंट बी तक अपना वेलोसिटी को चेंज करने में मान लिया जाए कि टाइम लगा टी सेकेंड, यानी कि जीरो से लेकर के सी तक का जो आपका ड्यूरेशन है वो है टी सेकंड का ड्यूरेशन। ठीक है बच्चों, तो हम आज निकालने वाले हैं वेलोसिटी टाइम ड्यूरेशन को ग्राफिकल मेथड से। इसके लिए हमने यहाँ जाना कि ए और बी दो पॉइंट है, दो पॉइंट के बीच में जो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है वो यू से लेकर के वी तक जा रहा है, और उसको वी से वी तक जाने के लिए टाइम लग रहा है टी सेकंड। अब आगे बात करते हैं, तो हम देखिए बी से लेकर के हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ई तक, और बी से लेकर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है सी तक। दो परपेंडिकुलर आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, और आगे हमने एक चीज़ और ड्रॉ किया है, वो है ए डी पैरेलल टू ओ सी। ये ए डी लाइन जो दिख रहा है आपको, ये हमने ओ सी के पैरेलल बिल्कुल पैरेलल ड्रॉ किया है। और इस हिसाब से आपको इस ग्राफ से बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी बच्चों। देखिए पहला चीज़ मिल जा रहा है ओ ए, ये ओ ए का वैल्यू हो गया यू, इस बी से लेकर के सी तक का वैल्यू हो गया वी, ओ सी का वैल्यू हो गया टी। तो आप देख सकते हो ओ सी और ए डी दोनों आपस में बराबर होगा, इसीलिए ओ सी का वैल्यू अगर टी है तो इस ए डी का वैल्यू भी हम लोगों का टी सेकंड ही होगा। उस तरह से अगर देखा जाए तो ओ ए का वैल्यू अगर यू है तो इस सी डी का वैल्यू भी हो जाएगा यू। तो अगर हमको चाहिए इस बी डी का वैल्यू, तो बी डी का वैल्यू कैसे निकलेगा बच्चों? तो इस बी डी का वैल्यू निकलेगा इस पूरे बी सी से, अगर मैं सी डी को माइनस कर दूँ तो ये बी डी का वैल्यू हमको मिल जाएगा। तो बी डी का वैल्यू निकालने के लिए हम पूरे बी सी से सी डी को माइनस करेंगे। तो बी डी इक्वल टू यहाँ देख सकते हो वी माइनस यू लिखा गया है। क्यों वी माइनस यू लिखा गया है, इसका वजह है देखिए, हमने कहा पूरा बी सी से सी डी को माइनस करने के लिए। तो बी सी का वैल्यू कितना है? वी ना है, और सी डी का वैल्यू कितना है? यू है, इसीलिए वी माइनस यू यहाँ पर लिखा गया है। और आपको पता होना चाहिए कि वी माइनस यू का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी, और उसका हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसके द्वारा? बी डी के द्वारा। अब हम अगले चीज़ में देख रहे हैं कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यहाँ लिखा गया है बच्चों। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यानी कि डिवाइड बाय टाइम। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि चेंज इन वेलोसिटी क्या है? वी माइनस यू, जो किसका वैल्यू है? बी डी का वैल्यू है। इसीलिए चेंज इन वेलोसिटी की जगह पर हमने बी डी को पुट किया, और टाइम जो है वो कौन रिप्रेजेंट कर रहा बच्चों? टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है ए डी, इसीलिए उसकी जगह पर हमने ए डी लिखा। और एक्सेलरेशन का सिंबल होता है ए, इसीलिए हमने एक्सेलरेशन की जगह पर ए को रख दिया। लेकिन हम देख सकते हैं कि ए डी हमारा किसके बराबर है? ए डी हमारा, ये ए डी हमारा ओ सी के बराबर है, इसीलिए हमने ए डी की जगह पर ओ सी पुट कर दिया। अब देखिए बच्चों, बी डी का वैल्यू हमने यहाँ वी माइनस यू निकाल रखा है ऑलरेडी, और ओ सी का वैल्यू तो टी हमने पहले बता दिया था। इस हिसाब से ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, ये हमारा एक इक्वेशन आ रहा है। इसको हम जब सॉल्व कर रहे हैं तो अंततः हमारे पास एक फाइनल इक्वेशन आया, जिसे हम कहते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन इक्वेशन।
यानी कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है, थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है, डेफिनेटली इस वीडियो को दोबारा एक प्ले करके देखिए। अगर फिर भी आपको कन्फ्यूजन रहे तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन पर हमें बता सकते हैं, हम दोबारा इस वीडियो को अपलोड करने की कोशिश करेंगे। अगला हमारा रिलेशन क्या है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसे हम कहते हैं पोजिशन टाइम रिलेशन। पोजिशन टाइम रिलेशन क्यों कहा गया बच्चों, क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ पर s का मतलब होता है डिस्टेंस एंड हमारा यहाँ पर टाइम का बात भी किया गया है। तो हमारा ग्राफ देखिएगा वही ग्राफ है, यहाँ पर हम एक पॉइंट ए लिए हैं और एक पॉइंट बी, जिस दोनों के बीच का जो हमारा टाइम इंटरवल है वो है ओ सी। इस पॉइंट ए पर ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है यू, जैसे जैसे टाइम बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे उसका वेलोसिटी जो है पॉइंट बी तक पहुंच करके वी हो गया। इस ओ ए का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि यू है, इस बी सी का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि वी है, इस ओ सी का वैल्यू टी, इस ए डी का वैल्यू भी टी, और इस ओ ए का वैल्यू अगर यू है तो इस सी डी का वैल्यू भी यू होगा। यहाँ तक तो आपको पिछला वाला वीडियो स्लाइड में देख ही लिए होंगे। इसके बाद हम लोगों ने पिछला वाला स्लाइड में बी डी का वैल्यू भी फाइंड किया था, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को वीडियो का वैल्यू काम आएगा कि नहीं आएगा हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे। तो देखिए हमारे पास डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखा गया है, एस इज़ द डिस्टेंस। डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए क्या किया गया, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ओ ए बी सी। ओ ए बी सी ये जो हमको दिख रहा है, अगर थोड़ा टेढ़ा करके देखिए वीडियो को तो आपको दिख रहा होगा कि ए ओ ए बी सी जो है एक ट्रेपीजियम का शेप दिख रहा है आपको। तो आगे हम क्या कर रहे हैं देखिए बच्चों, आगे हमने इस ट्रेपीजियम को दो पार्ट में बांट दिया है, एक रेक्टेंगल और एक ट्राइंगल। रेक्टेंगल हमारा है ओ ए डी सी और ट्राइंगल हमारा है ए बी डी। तो दो चीज़ों में हमने इसको बांट दिया है। तो आप बताइए रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है, आप बोलोगे सर लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो इस रेक्टेंगल में लेंथ क्या है, लेंथ हम लोगों का है ओ सी, लेंथ हम लोगों का है ओ सी और हम लोगों का ब्रेथ है ओ ए। और इस ट्राइंगल ए बी डी में अगर बात करें तो इसका एरिया होता है हाफ इंटू बी इंटू एच, तो बी हमारा बेस हमारा है ए डी और हाइट हमारा है बी डी, तो ए डी इंटू बी डी लिखा गया है। अब हम सारा यहाँ वैल्यूज तो पता ही है, ओ ए का वैल्यू यू है, ओ सी का वैल्यू टी है और बी डी का वैल्यू हमने पिछला साइड में वी माइनस यू निकाला था और जिसका वैल्यू हम लोग ए टी लिख सकते हैं। कैसे देखिए यहाँ पर इसको इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद v माइनस यू इक्वल टू ए टी आया था, इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि v माइनस यू का वैल्यू होगा ए टी, यानी कि बी डी का जो वैल्यू है वो हम लोगों का फाइनली क्या मिलेगा ए टी मिलेगा। नाउ पुटिंग द वैल्यूज इन द इक्वेशन, देन ओ ए का वैल्यू हमने यू पुट किया, ओ सी का वैल्यू हमने टू टी पुट किया, सॉरी माफ़ करिएगा टी पुट किया, ए डी का वैल्यू हमने टी पुट किया और बी डी का वैल्यू हमने ए डी पुट किया। सब वैल्यूज यहाँ आपको लिखे हुए हैं, कोई कन्फ्यूजन होने का सवाल नहीं आता है। अब हम लोग फाइनली देखते हैं कि जब सॉल्व करने के बाद एस इक्वल टू यू टी मिलेगा हमको और यहाँ मिल जाएगा हाफ और ये टी इंटू टी टी स्क्वायर इंटू ए ए टी स्क्वायर। तो बच्चों इस तरह से जो इक्वेशन हमारा है ये प्रूव हो गया। ये इक्वेशन जो है एग्ज़ाम में अक्सर आता है, एग्ज़ाम के नज़रिए से ये इक्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हमारा तीसरा जो स्लाइड है हमें एक्सप्लेन करेगा कि हमारा जो नेक्स्ट इक्वेशन है वो क्या है। तो ये हमारा इक्वेशन है पोजिशन और वेलोसिटी का रिलेशन, ये हमारा था पोजिशन टाइम रिलेशन और ये हमारा है पोजिशन और वेलोसिटी का बीच का रिलेशन को एक्सप्रेस करने वाला इक्वेशन जो है 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसके लिए भी हमारा देखिएगा ग्राफ सेम है, सारा वैल्यू सेम रहेगा, यहाँ तक कि हमारा जो फार्मूला है वो भी पिछला वाला जैसा ही है। पिछला वाला स्लाइड में आप देखे थे कि डिस्टेंस निकालने के लिए एरिया ऑफ ट्रेपीजियम लिखा गया था, यहाँ पर भी हमने एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ही लिया है। लेकिन पिछला वाला वीडियो में हमने क्या किया था, दो पार्ट में बांट दिया था, एक ट्राइंगल एक रेक्टेंगल। लेकिन यहाँ हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम लोग सिंपल सा बात है कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का जो फार्मूला होता है वो हम लोग पुट कर दे रहे हैं। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम फार्मूला होता है 1/2, यहाँ 2 लिखा हुआ बाय में, और सम ऑफ पैरेलल साइड, देखिए ओ ए और बी सी हमारा पैरेलल साइड है, इन टू होता है हाइट, हाइट हमारा ओ सी है। सारा वैल्यूज यहाँ आपको दिया हुआ है, कोई दिक्कत होने का सवाल नहीं आता। हम लोग क्या करेंगे, ओ ए का वैल्यू यू है बैठा दिया गया, बी सी का वैल्यू वी है बैठा दिया गया, ओ सी का वैल्यू टी है बैठा दिया गया है। अब हम देखिए इस टी का वैल्यू को फाइंड करने का जो है कोशिश करेंगे। देखिए टी का वैल्यू हम लोग यहाँ फाइंड कर लिए हैं वी माइनस यू बाई ए, इस तरह से टी का जो वैल्यू है वो हम लोग इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो उस तरह से देखिएगा वी प्लस यू तो ऑलरेडी हमारे पास है, यू प्लस वी कोई दोस्तों हमने वी प्लस यू लिखा है, कोई दिक्कत वाला काम नहीं है, आप कर सकते हो।
और यहाँ पर टी का वैल्यू हमने वी माइनस यू है उसको हमने पुट कर दिया, और ये जो डिवाइड में ए था उसे हमने नीचे भेज दिया। लेकिन वो लोग सर ये टू कहाँ से आ गया, टू तो हम लोगों का पिछला वाला इक्वेशन में ऑलरेडी है ही। इस तरह देखिएगा ये वी प्लस यू इंटू वी माइनस यू जो कि हमारा मैथ्स का एक फॉर्मूला है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जिसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारे यहाँ पर ए का वैल्यू वी है और बी का वैल्यू यू है, हमने यहाँ बिठा दिया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और ये टू का टू ए का जो वैल्यू है उसे हमने भेज दिया उस साइड। तो यहाँ ये डिवाइड में है, उधर चला जाएगा तो वो हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो यहाँ तक हमको बच्चों समझ में आ गया होगा, हम समझ सकते हैं कि हमारा वीडियो काफ़ी फास्ट है आज, क्योंकि हमें बहुत सारे टॉपिक्स और भी कवर करने हैं, तो इसीलिए मेरा आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट रखे हैं। लेकिन आपको अगर फिर भी कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम का सामना करना पड़े, तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा, मैं इस वीडियो को दोबारा थोड़ा अच्छे से बड़ा प्यार से आपको समझाऊंगा। बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, आप बस पढ़िए, मज़े से पढ़िए और दिल से लाइक करिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और आप अपने दोस्तों को कहिए कि ये चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मैं अपना ये टॉपिक है मैं इसे ख़त्म करने वाला हूँ। लास्ट टॉपिक हमारा है सर्कुलर मोशन, जो हमारा इस चैप्टर का आखिरी पॉइंट है। सर्कुलर मोशन क्या होता है, देखिए जितना भी हमने पिछला वाला वीडियो देखा था उन सब वीडियो में हमको पता था कि वो मोशन कैसा था, लीनियर मोशन था। लीनियर का मतलब होता है जब कोई ऑब्जेक्ट सीधा रास्ता में मूव करता है तब उसे हम लोग कहते हैं लीनियर मोशन। वही जब कोई ऑब्जेक्ट एक गोल गोल रास्ते में घूमते रहता है, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट घूम रहा है, इसे हम लोग कहते हैं सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में देखिए बच्चों की हर बार इस ऑब्जेक्ट का जो डायरेक्शन है वो हर कंडीशन में चेंज हो रहा है, इस हिसाब से इस ऑब्जेक्ट का जो है वेलोसिटी फाइंड होगा, स्पीड फाइंड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है हर बार चेंज हो रहा है। तो इस हिसाब से जो हमको वेलोसिटी फाइंड करने का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा बच्चों, तो देखिए वेलोसिटी फाइंड करने का फॉर्मूला हम लोग नॉर्मली मालूम है कि द डिस्टेंस बाय टाइम, लेकिन वेलोसिटी एक आपका वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए हम लोग डिस्टेंस का बात नहीं करेंगे, डिस्प्लेसमेंट का बात करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, एक रेक्टिलिनियर फिगर एक रेक्टेंगुलर पथ पे अगर हम लोग कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो वहाँ हम लोग पैरामीटर निकालते हैं, लेंथ निकालते हैं टोटल लेंथ बाय टोटल टाइम। लेकिन यहाँ पर सर्कल है, सर्कल में तो हम लोग लेंथ नहीं निकाल सकते हैं, इसीलिए क्या करेंगे सर्कल का सर्कमफ्रांस निकाल देंगे। सर्कल का सर्कमफ्रांस होता है 2πr, इसीलिए हमने यहाँ लिखा है 2πr बाय टाइम, यानी कि वेलोसिटी का फॉर्मूला सर्कुलर मोशन के लिए हो जाएगा 2πr बाय टी। चलो बच्चों आज का हमारा ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप दिल से लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, और अगर आपने इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर रखा है तो डेफिनेटली मेरे साथ आपका जो मुलाकात है अगले वीडियो में ज़रूर होगी। और हाँ मैं आपको एक और बार बता देना चाहता हूँ कि मेरे इस चैनल पर आपके एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोज़ तो आएंगे ही, पढ़ाई से रिलेटेड टॉपिक्स तो रहेंगे 9-10 के, लेकिन इसके अलावा मैं स्टूडेंट्स के मनोबल को बढ़ाने के लिए, यानी कि स्टूडेंट्स से मोटिवेशन करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए मैं बहुत सारे वीडियोस और भी अपलोड करने जा रहा हूँ। ये हमारा नया शुरुआत है, नया एक कोशिश है ताकि बच्चों के अंदर जो एक कॉन्फिडेंस लेवल की कमी आ गई है उसे मैं दूर कर सकूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझे होंगे, तो आप मेरे इस चैनल पर बहुत सारे वीडियोज़ और भी आएंगे जो कि पढ़ाई से थोड़ा सा हटके होगा, जो कि किसी बच्चों को मोटिवेट करने के लिए काम आएगा। तो मैं आज का ये वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ, तब तक के लिए आप खुश रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और गुड बाय।